नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है जो अंबेवली कल्याण का रहने वाला है। पकड़े गए आरोपी के पास से 70 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। इस आरोपी से जांच में अब तक 16 मामलों का खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपी का नाम है जाफर गुलाम हुसैन ईरानी। आप देख सकते हैं ये सभी जेवरात चेन स्नेचिंग के है जो नवी मुंबई में कई महिलाओं के गले से झपटा मारकर छीने गए थे। पकड़े गए आरोपी के विषय में क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी सुरेश मेंगड़े ने विस्तृत जानकारी दी। अपने एक साथीदार के साथ 16 ऑफेंस चेन स्नैचिंग के नवी मुंबई में किए हैं, जिसमें से वाशी पुलिस स्टेशन में 6 और कोपरखैरनार पुलिस स्टेशन में 4, खारगर में 2, तुर्भे एनआरआई खांदेश्वर और पनवेल ये 4 पुलिस स्टेशन में हर एक पुलिस स्टेशन में एक एक ऑफेंस उन्होंने किया है। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने ये 16 गुना में जो मुद्देमाल चुराया गया था, जो चेन स्नैचिंग किया था, उसमें से उसके हिस्से में जो आया था माल वो 31 तोले के दागिने तकरीबन 7 लाख रुपए कीमत का मुद्देमाल रिकवर किया है, उसको अरेस्ट किया है। वो अभी पुलिस कस्टडी में हिरासत में है। उसका जो साथीदार है उसकी तलाश अभी जारी है। वो मिलने के बाद और कुछ चेन स्नैचिंग के ऑफेंस डिस्क्लोज होने की संभावना है।